आज का यह वीडियो उस महिला की अदम्य कूटनीति पर जिसने दिमाग की धार से दुनिया के मानचित्र को बदल कर रख दिया। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है मगर 1971 के असल राष्ट्रवाद को बताते हुए रोंगटे खड़े कर देगी। एक पल भी बोझिल नहीं होने दूंगा, इसकी गारंटी है। इंदिरा गांधी क्या हस्ती थी आज जान ही लीजिए। अप्रैल 1971 में पाकिस्तानी सितम के मारे 5 लाख बांग्लादेशी शरणार्थी हिंदुस्तान में शरण ले चुके थे। युद्ध साफ नजर आ रहा था मगर यहाँ सिर्फ भारतीय सेना को पाकिस्तान से नहीं लड़ना था बल्कि लड़ाई अमेरिका चीन जैसी दो महाशक्तियों से होनी थी। दोनों खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े थे मगर इंदिरा जी भी अडिग थीं। इस बीच अप्रैल 1971 में चीनी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहिया खान को चिट्ठी लिखी और साफ शब्दों में कहा, हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान पर हमला करने का दुस्साहस करता है तो पाकिस्तान की संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए हर मुमकिन मदद चीन करेगा। संदेश साफ था कि भारत पाक युद्ध हुआ तो चीन पाक की तरफ से भारत पर हमला करेगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन तो हिंदुस्तान और हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा जी से नफरत करते ही थे। वो कहते हिंदुस्तानी अच्छे लोग नहीं होते, जबकि पाक राष्ट्रपति याहिया खान को खूब पसंद करते थे। तो क्या इंदिरा डर गईं? जी नहीं, इंदिरा जी को यूं ही आयरन लेडी नहीं कहते। वो चीन अमेरिका पाकिस्तान से एक साथ भिड़ी। पाक से संघर्ष होने को था तो अमेरिका चीन से माइंड गेम चल रहा था। निक्सन यहां तक कह गए कि अमेरिका किसी भी सूरत में पाकिस्तान का विखंडन नहीं होने देगा। शायद वो इंदिरा को ठीक से जान नहीं पाए थे। अब यहां से शुरू होता है असली खेल। दिसंबर 1971 में हुआ युद्ध कायदे से जुलाई में हो जाना था मगर बड़ी ही चालाकी से चीन को रोकने के लिए हिमालय पर बर्फ गिरने का इंतजार किया गया और अमेरिका की काट के लिए सोवियत संघ को नजदीकी बढ़ाई जाने लगी। सोवियत ही वो शक्ति थी जो दोनों के खिलाफ हमारा साथ देती। सोवियत संघ यानी रूस को साथ लाने में इंदिरा का साथ दे रहे थे उनके मुख्य सचिव पीएन हक्सर और सोवियत राजदूत पीडी धर। रणनीति बनाई गई और विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह को जून 1971 में मॉस्को भेजा गया। फिर तब होती है संधि जो आज तक हिंदुस्तान की मजबूत सामरिक ढाल बनी हुई है। संधि ये हुई कि दोनों देशों पर किसी भी बाहरी आक्रमण की सूरत में दोनों ही देश शांति बहाली के लिए उचित कदम उठाएंगे। यहाँ से ये तय हो गया कि अगर अमेरिका चीन कोई भी भारत पाक युद्ध के बीच आया तो उसे सोवियत संघ के भीषण वज्रपात को झेलना पड़ेगा। इंदिरा जी की रणनीति काम करने लग गई। वो खुद सितंबर 1971 को मॉस्को गई। इधर हिमालय पर बर्फबारी का बेसर्वी से इंतजार हो रहा था तो उधर इंदिरा अपनी कूटनीति की धार से पाकिस्तान के धागे खोलने में लग गईं। बैक टू बैक कई यूरोपीय देशों का दौरा किया। फ्रांस के एक चैनल में शुद्ध फ्रेंच भाषा में इंटरव्यू दिया। फ्रांसीसी अचंभित थे। फ्रांस के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सूती साड़ी पहने एक हिंदुस्तानी महिला इतनी शानदार फ्रेंच कैसे बोल रही है। वो इंटरव्यू आसानी से यूट्यूब पर मिल जाएगा। अपनी विद्वता से इंदिरा पश्चिमी देशों को ये एहसास कराने में कामयाब रही कि बांग्ला भाषियों पर पाकिस्तान जुर्म कर रहा है। मगर सुपर पावर अमेरिका अब भी भारत से दुश्मनी के मोल लिए बैठा था तो उसे समझाने के लिए नवंबर 1971 में इंदिरा सीधे अमेरिका गईं। राष्ट्रपति निक्सन से दो दो बार मिली। निक्सन ने उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। इंदिरा जी के मुंह पर कहा, भारत ने सैन्य कार्रवाई की तो नतीजे खतरनाक होंगे। इंदिरा से ये बात उस देश का राष्ट्रपति कह रहा था जिसका जापान पर 2 परमाणु बम गिराने अपनी ताकत और क्रूरता दिखाने का इतिहास रहा था। इंदिरा ने जवाब दिया, भारत नहीं पाक युद्ध की धमकी दे रहा है, हम संयम से हैं। नवंबर में दिया इंदिरा का ये जवाब कुछ भी नहीं था। हम संयम से हैं ये एक छोटी सी बात थी क्योंकि अब दिसंबर आ चुका था। हिमालय पर बर्फ की मोटी चादर जम चुकी थी। चीन कुछ नहीं कर सकता था और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की बोलती बंद करने के लिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का यही सही वक्त था। 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा के एक इशारे पर सैम मानेकशॉ के शेरों ने पश्चिमी और पूर्वी पाक पर 2 तरफा हमला बोल दिया। उस दिन पहले पाकिस्तान ने हमारी पश्चिमी सीमा की हवाई पट्टियों पर बम बरसाए थे। युद्ध उन्होंने शुरू किया मगर खत्म हमें करना था। भारतीय सेना ढाका की ओर बढ़ी। कश्मीर और पंजाब में हमारे टैंकों की गूंज सुनाई देने लग गई। समंदर में हलचल तब बढ़ी जब भारतीय नौसेना कराची की तरफ कूच कर गई। मुक्ति वाहिनी की मदद से 1 हफ्ते में ही पाक सेना को कुचलते हुए हमारी सेना ढाका पहुंच गई। ढाका चारों तरफ से सेना से घिर गया।
पाकिस्तान सच में कांप रहा था। पूर्वी पाक के गवर्नर ने कांपते हाथों से इस्लामाबाद टेलीग्राम किया। गवर्नर ने जो चिट्ठी लिखी उसे ध्यान से सुनिएगा, सीना गौरव से भर जाएगा। गवर्नर ने लिखा, हमें समर्पण कर समस्या का राजनीतिक समाधान खोजना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूर्वी मोर्चे से फारिग होने के बाद भारतीय सेना का खतरा पश्चिमी पाकिस्तान पर भी बढ़ जाएगा। मतलब ये था कि बांग्लादेश तो हाथ से गया, लड़ाई नहीं रोकी तो पाकिस्तान भी हाथ से धोना पड़ेगा। बात अमेरिका पहुंची। आनन फानन में अमेरिकी NSA किसिंजर वाशिंगटन में चीनी राजदूत हुआंग से मिले। राजदूत तिलमिलाया हुआ था। किसिंजर के शब्द थे, बड़े दुख के साथ हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि बाजी पाक के हाथ से निकल चुकी है। अब इंदिरा की कूटनीति और सेना के शौर्य के आगे दुनिया नतमस्तक थी। 13 दिसंबर को ढाका में पाक गवर्नर के आवास पर बमबारी कर आखिरी चेतावनी दी गई। अब तक पाकिस्तान को अपनी हैसियत और अपने आकाओं की कुवत समझ आ चुकी थी। उसी रात याहिया खान ने जनरल नियाजी को समर्पण का संदेश भेजा। मात्र 13 दिन के भीतर 16 दिसंबर 1971 को 90,000 की पाक फौज ने घुटने टेक दिए और तब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने लोकसभा में ऐलान किया, ढाका अब एक आजाद मुल्क की राजधानी है। पूरा सदन इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे से गूंज उठा। विपक्षी भी मन ही मन खुद नारा लगाने से रोक नहीं पाए। पूरी दुनिया में इंदिरा गांधी के नाम का डंका बज रहा था। इंदिरा सिर्फ नाम नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। पाकिस्तानी अखबार में छपा, आज हम खून के आंसू रो रहे हैं। मजे की बात यह कि पाक में जो मातम था सो था, इस हार से सबसे ज्यादा दुखी भारत विरोधी अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे। तब निक्सन ने किसिंजर से जो कहा उसे पढ़ इंदिरा जी के प्रति सम्मान बढ़ जाता है। निक्सन कहते हैं, पाकिस्तान की हार से मेरा दिल बैठ गया है। उस बूढ़ी औरत को चेतावनी दी थी फिर भी उसने ऐसा किया। एक महिला ने विश्व शक्ति अमेरिका के गुरूर को माटी में मिला दिया। हिंदुस्तान की पुरानी छवि टूट गई। दुनिया में हिंदुस्तान इज्जत का हकदार बन चुका था। चलिए दोस्तों, कैराफ्लिक्स पर आज के इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आप तक पहुंचती रहे उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को लाइक कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच इस वीडियो के लिंक को शेयर भी करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।